फेस क्लेंजिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब हम बात करते हैं स्किन केयर रूटीन की। एक अच्छे क्लेंजर का काम होता है आपके स्किन से डर्ट, पॉल्यूशन, मेकअप, एक्सेस ऑयल को रिमूव करना, लेकिन साथ ही साथ आपके स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन रखना। मार्केट बेस्ड क्लेंजर्स में कई बार ऐसे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि आपके स्किन को क्लीन तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ आपके स्किन के पीएच को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इस कारण आपकी स्किन थोड़ी ही देर में ऑयली हो जाती है, आपकी स्किन पर एक्ने, ब्रेकआउट्स भी आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक होममेड फेस क्लेंजर जो कि आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। ये सारे स्किन टाइप्स के लिए है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है लेकिन साथ ही साथ आपकी स्किन का पीएच डिस्टर्ब नहीं होता, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। आप खुद फील कर सकते हैं कि आफ्टर क्लेंजिंग आपकी स्किन पर वो खिंचाव महसूस नहीं होगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी। इस क्लेंजर को बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, रेड लेंटिल यानी कि लाल मसूर दाल, कॉफी पाउडर, ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन और थोड़ी सी हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। इस क्लेंजर को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ग्राइंडर में आपको लेना है 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच लाल मसूर दाल। इन दोनों को ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है जब तक कि आपको फाइन पाउडर नहीं मिल जाता। इस पाउडर को आप एक जार में ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच बेसन। सबसे लास्ट में आप ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। इन सारे ही चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपका क्लेंजर तैयार है। इस क्लेंजर को आप अपने वॉशरूम में आराम से 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पाउडर को लेना है। इसमें आप वाटर, मिल्क, पोटैटो जूस कुछ भी मिक्स करके आपको इसका एक पेस्ट बना लेना है। आपको एक क्रोनी कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि आप इसे एज अ क्लेंजर यूज़ करने वाले हैं। इसकी एक लेयर आपको अपने फेस और नेक पर अप्लाई करनी है। बहुत ही जेंटली आपको इसे रब करना है करीब 30-40 सेकेंड्स के लिए और इसके बाद आप इसे अपने फेस पर ड्राई होने देंगे करीब 1-2 मिनट तक और इसके बाद आप अपने चेहरे को धो सकते हैं।